ये है जी 5.1 और 7.1 होम थिएटर यामाहा DSP AX863। इससे आप डॉल्बी डिजिटल, DTS और मास्टर ऑडियो मूवीज़ देख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा सिग्नल 7.1, 5.1, जो भी आपने मीडिया प्लेयर से चलाना है। इसके लिए इसकी सेटिंग में अगर आप जाएं इंस्टॉल करने के लिए, ये है फ्रंट राइट स्पीकर और फ्रंट लेफ्ट स्पीकर, ब्लैक तार इसमें आपने खोल के लगा देनी है और रेड तार इसमें। ये जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इस सुराख में तार रख के तो इसको आपने कस देना या बनाना केबल। ये दोनों स्पीकर लेफ़्ट और राइट लग गए। ये सेटर स्पीकर जिसमें से आपको वोकल मूवी पे आएगी, और ये होगा आपका सराउंड, और ये होंगे बैक सराउंड। सराउंड आपके बिल्कुल कानों के लेवल पे जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पे स्पीकर होना चाहिए, और ये आपकी बैक साइड पे। तो जब मूवी आप चलाएंगे तो आपको इफेक्ट लेफ़्ट राइट वाले आएंगे और वोकल आपको यहाँ से आएगी, और इसके साथ आपने सब ऊफर भी लगाना। सब ऊफर की ये दो आउट्स दी हुई हैं, यहाँ से आउट लेके आपने सब ऊफर के इनपुट में देना, लेकिन सब ऊफर आपके पास पावर्ड होना चाहिए। पावर्ड मतलब उसमें एम्पलीफायर होना चाहिए। और इसकी ये प्री आउट है। प्री आउट का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ से सिग्नल लेके लेफ्ट राइट सेंटर, और ये सेंटर है, और इसी तरह इस राउंड और बैक साउंड, तो आप इसके साथ मुख्तलिफ पावरें लगा के इसकी साउंड को बहुत ज़्यादा एनहांस करने के लिए ये प्री दी होती है इन्होंने। और इसके अलावा ये है जी ऑप्टिकल, डिजिटल ऑप्टिकल। डिजिटल ऑप्टिकल LCD से लेके अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपको 5.1 डॉल्बी डिजिटल सिग्नल मिलेगा, जो कि अगर आप नेट से कर रहे हैं तो सिर्फ नेटफ्लिक्स इस पर चलाएगा 5.1 मूवी। अगर आपने DTS या मास्टर ऑडियो और उससे ऊपर वाले फॉर्मेट सुनने हैं तो फिर आप मीडिया प्लेयर का इनपुट देंगे इधर, ये तीन इनपुट्स हैं, और यहाँ से आउटपुट देंगे आप LCD को, और उसमें जिस फॉर्मेट की आपकी मूवी रिकॉर्डेड होगी और आपका मीडिया प्लेयर भी सपोर्ट करेगा तो फिर ये उस फॉर्मेट को चला देगा और फॉर्मेट ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑन हो जाएगी। ये हैं जी इसके फोनो, मतलब पुराने जो रिकॉर्ड प्लेयर होते थे वो लगाने के लिए, CD प्लेयर लगाने के लिए, और ये सारी की सारी इनपुट्स हैं स्टीरियो, जो कि आपके सिर्फ दो स्पीकर चलाएंगी। आप अगर उसमें 7 स्पीकर चलाना जब भी चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन सब में एक जैसी आवाज़ आएगी। जबकि आप जब डॉल्बी डिजिटल सिग्नल पे जाते हैं, जो HDMI इन से या इसी इनपुट से आएगी, वो आपको सारे स्पीकरों में अलग-अलग आवाज़ें आएंगी। और ये याद रखिए कि फ्रंट स्पीकर आपके तकरीबन 8 फुट के फासले पे होने चाहिए, यानी दोनों का दरमियानी फासला कम अज़ कम 8 फुट हो, और ये आपका सेंटर में हो, और ये आपके सराउंड स्पीकर हो, तो फिर आप इसको चलाएँ और होम थिएटर के मज़े लें।